मेरे हृदय की तीव्र होती गति, सांसों में घुलती ग्रीष्म सी गर्माहट जो जनवरी को भी जून किए देती है, लबों का क्षण भर में सूख जाना, निगाहों का हर इशारों पर शर्माना, मेरे देह से छूटती हुई कुछ नमकीन गीली सी बूंदें जो मेरे गर्दन की घाटी से शुरू हो मेरे सीने पर जा बैठती हैं, और उनके छोड़े हुए कुछ खारे से निशान जो कि सक्षम हैं किसी भी कामनाओं की क्रियाओं को उत्तेजित कर उनके मस्तिष्क की सोच से हकीकत में तब्दील कर देने के लिए। मेरे देह की अपनी ही एक प्रकृति है, या यूं कहूँ नारी स्वयं में ही एक प्रकृति है जिसके आकृति आकार विचार व्यवहार या खासकर श्रृंगार को समझ पाना किसी भी साधारण संवेग के लिए तो मुनासिब नहीं है। आज इस पहलू में मैं स्त्री होने का सुख लिखूं, उसका श्रृंगार लिखूं, उसका सौंदर्य लिखूं या उसकी कामुकताओं की बारीकियाँ, ये मुझे तय कर पाना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि अगर स्त्री को कामुकता से परिभाषित किया जाए तो लोग इसे थोड़ा निषेध सा मानते हैं। पर मेरी कलम आज़ाद है मेरे केशों की तरह जो मुक्त गगन में यूँ फहराती हैं जैसे कोई फतेह पताका, बिना इस डर के गर उन्हें वो इश्क की उंगलियां ना मिल पाईं जो किसी अर्धरात्रि में बैठकर रेशा दर रेशा इत्मीनान से उन्हें सुलझा सकें। खैर, मेरी आँखों की भारी सी नींद जो मेरे अलसाए पाँव को लेकर रात्रि के बाद और भोर से पहले मेरे बिखरे केशों के संग पानी की सुराही की ओर दौड़ती हैं तो ये महसूस कर पाती हैं उन सन्नाटों के मधुर आलाप जो मेरी देह के हर अंग से निकलते हैं। ये खोजते हैं वो स्पर्श बाहें पसार कर किसी भी वास्तविक या काल्पनिक कृति के रूप में, और फिर मेरे पर्दों से छनती हुई आती हुई हवा मुझे भर लेती है अपने आलिंगन में और सुला देती है मेरे ही मखमली ख्यालों के बिस्तर पर, और ये घड़ी की सुइयों सा मानिंद सूरज बिना मेरी इजाज़त के घुस आता है मेरे कमरों में और बिछ जाता है मेरी देह पर, मानो कोई महबूब अपनी मोहब्बत की तमाम आयतों को घेर देना चाहता है मेरे जिस्म की एक एक रेखाओं पर, और मैं बस मुस्कुराकर छोड़ आती हूँ अपनी तमाम अंगड़ाइयाँ मेरे बिस्तर के एक बाहरी कोने पर चादरों में लपेटकर, और बहा देती हूँ खुद को और खुद के उस कामुक लिबास को जो मेरी देह से रात भर लिपटा रहा मानो किसी मधुमास की भांति, और धारण कर लेती हूँ एक श्वेत परिधान, निगाहों में एक स्याह सी धार और माथे पे एक काली सी बिंदी जो श्रृंगार तो बयां नहीं करती पर भिन्नता से भेदता हुआ एक समागम जरूर समेटे हुए है। मेरे कामकाजी दफ्तर में भी ये उभरे हुए से आकार बांट आते हैं कुछ बेचैन से सैलाब किसी चेनाब की लहर के खात की तरह, और मैं वो सैलाब भी उसी दफ्तर में छोड़ आती हूँ और चुरा लाती हूँ खुद के लर्जे हुए तन को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कल्पनाओं में खुद को भिगो देने के लिए हर शाम। दरवाजे की कुंडी खोलते हुए मैं महसूस कर लेती हूँ वो सिरगट जो कई साल पहले तुमने फूकी थी मुझसे छुपाकर, और तुम्हारे हाथ का छिपाते हुए जो चिंगारी लग गई थी उसको फूंक देती हूँ मैं अक्सर दो क्षण वहीं पे ठहर के बेवजह यूं ही खामखा आज भी, और मेरे कमरे में वो जो पसरी हुई शाम की रोशनी है उसे मैं रोशन नहीं करती, उसे और ज़्यादा सुर्ख करने की कवायद में जुट जाती हूँ, और मेरे कमरे के उसी खिड़की के नज़दीक जो कुर्सी पड़ी है बैठ जाती हूँ उस पे अपने घुटनों को समेट कर और गुनगुनाने लगती हूँ यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो, वो गाना जो हम अक्सर गुनगुनाया करते थे एक दूसरे को रोक देने के लिए, और फिर मेरी कोरी कल्पनाओं में उकेर आती हैं वो तमाम गीली सी पुरानी शामें जो मेरे लिए तो वास्तविकता थी तुम्हारे साथ बिताई हुई, जब मेरे परिधान में लिपटी मेरी देह तेरी निगाहों की फिरती हुई उंगलियों के इंतज़ार में बैठी थी, तेरी महक का महज मेरे करीब से गुजर जाना भी इनकी खुराक है ये ऐसा कहती थी, कुछ शरारतें मेरी साड़ी से झांकती हुई मेरी कमर बोलती थी तो कुछ शैतानियाँ तुम दो डोरियाँ बांध के मेरी कमर पर गुदगुदाते थे, वो जो महकता हुआ सा इत्र अपनी बगल में फुसफुसाते थे हम, एक मंजर मोहब्बत का अपनी साड़ियों से सुनाते थे हम। मैं आज भी
महसूस कर पाती हूँ, मैं आज भी महसूस कर पाती हूँ उस बिस्तर की गुजली हुई चादर को जिस पे छूटी हुई कई शाश्वत सांसें जो हम दोनों की थी, जो आज नश्वर सी होती जा रही हैं। वो पुष्प की पंखुड़ियाँ जो छोड़ चुकी हैं अपने निशान उस बिस्तर पर, और वो कजरारा सा करार जो तुमने मेरी नाभि के नभ में फूंक दिया था अपने होठों के आकार से। मेरे ये साड़ी की सिलवटें आज भी, ये साड़ी की सिलवटें आज भी तैयार हैं तुम्हारी सांसों की छूटी गर्म गंध के लिए। ये कमर के लचीले इरादे अब इश्क तो बयां नहीं करते, ये कमर के लचीले इरादे अब इश्क तो बयां नहीं करते, पर मेरी कलाई की इत्र की इतराहट आज भी आतुर है इन दियों को मंद करने के लिए। ये किसी भी मोहब्बत का मिजाज नहीं पढ़ रही हूँ मैं, ये किसी भी मोहब्बत का मिजाज नहीं पढ़ रही हूँ मैं, और ना ही किसी हवस के हुस्न की हरकतों को सुनाने का इरादा है। ये बस वो ख्याल है जो एकदम सादा और खारा है। काश मेरी जुल्फ से झटक कर कुछ बूंदें अगर तुम्हारे ऊपर बिखेर दी जाती तो मुझे विश्वास है तेरी कमीज पे उनकी छींटें सिर्फ और सिर्फ उनका तापमान ही बढ़ाती। तुम झटक कर अपनी प्याली मेरी कलाई को पीछे से मोड़ देते, मैं अपनी कलाई तो छुड़ा लेती पर फिर हम तुम किसी बेशर्म सी शर्म को ओढ़ लेते। फिर अचानक से घंटी दरवाजे की बजती है और मैं फिर से अपनी कुर्सी पर लौट आती हूँ। एक पुरानी सी कपड़ी कमीज को ओढ़ कर मैं खुद में तुझसा बन जाती हूँ। फिर एक हकीम कुछ लाल पीली गोलियाँ लेकर मेरे नज़दीक आता है, कुछ सवालातों से मुझे उन्हें पानी के साथ घोल कर पिला देता है और समझा देता है कि ये मेरे काल्पनिक शहर इस जन्म के नहीं किसी पिछले जन्म के कहर हैं। और मैं फिर वहीं ठहर जाती हूँ, थम जाती हूँ और रुक जाती हूँ। धन्यवाद।